हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग ग्रेविटी। इस कहानी की शुरुआत में ये दिखाते हैं कि स्पेस में यानी अंतरिक्ष में नासा के कुछ एस्ट्रोनॉट्स एक सैटेलाइट पर काम कर रहे हैं और इनका जो हेड होता है उसका नाम कॉल्सकी होता है, जो हमेशा दूसरों को अपनी लाइफ की कहानियां सुनाता रहता है, जिससे लोग बोर होते हैं क्योंकि वो एक ही कहानी कई बार सुना चुका है। अब ये यहां इस सैटेलाइट पर, जिसका नाम STS-157 हबल स्पेस टेलीस्कोप है, उसमें एक हार्डवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं और इस काम के लिए इनके साथ डॉक्टर स्टोन, जो कि इस काम की स्पेशलिस्ट हैं, वो भी आई हैं और ये उनका स्पेस में पहला विजिट है। इसलिए उन्हें यहां पे काम करने में बहुत दिक्कत हो रही होती है क्योंकि उन्हें जमीन पर काम करने की आदत है जहां ग्रेविटी होती है। ये सब पिछले एक हफ्ते से इस मिशन पर काम कर रहे हैं और ये अपना काम खत्म करने वाले हैं। कॉल्सकी डॉक्टर स्टोन से पूछता है कि तुम्हें यहां पे सबसे अच्छी चीज क्या लगी। वो बोलते हैं खामोशी। दरअसल स्पेस में किसी भी तरह का कोई साउंड नहीं होता, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट, जो आपको अर्थ पर कभी नहीं मिल सकता। अब जब ये अपना काम खत्म करने की कागार पर होते हैं, तभी इन्हें अर्थ से रेडियो पर एक मैसेज आता है कि जितनी जल्दी हो सके मिशन को बंद करो और सैटेलाइट से अलग होकर अपने स्पेसशिप पर बैठकर अभी के अभी पृथ्वी पर आ जाओ। यहां पर हुआ ये होता है कि रशियंस ने अपनी एक सैटेलाइट को मिसाइल से उड़ा दिया होता है। दरअसल रशियंस अपनी सैटेलाइट को मिसाइल से इसलिए नष्ट करते हैं क्योंकि वो उनकी खुफिया सैटेलाइट होती है और वो नहीं चाहते कि उसका डेटा किसी और को मिले। अब ब्लास्ट से वहां बहुत सारा मलबा पैदा हो जाता है और वो गोली की स्पीड से स्पेस में फैल रहा होता है और वो मलबा बहुत सारी सैटेलाइट्स को नष्ट कर देता है, जिससे और भी मलबा पैदा होता है। यहां पर बहुत सारी सैटेलाइट नष्ट हो चुकी हैं, इसीलिए इनका सारा कम्युनिकेशन सिस्टम बंद हो चुका है। ये किसी से कम्युनिकेट नहीं कर सकते, केवल आपस में जो एस्ट्रोनॉट आसपास हैं वो ही बात कर सकते हैं। अब ये अंदर जा ही रहे होते हैं कि तभी इनकी तरफ वो मलबा आ जाता है जिसकी स्पीड बहुत तेज है और वो मलबा इनके स्पेसशिप से टकराता है और जिस पैनल पर डॉक्टर स्टोन खड़ी होती है उससे भी मलबा टकराता है और उनका पैनल टूटकर बहुत स्पीड से स्पेस में आगे बढ़ने लगता है। डॉक्टर स्टोन उस पैनल पर फंसी हुई है। कॉल्सकी बोलता है कि जल्दी से अपनी बेल्ट खोलो, नहीं तो तुम अंतरिक्ष में हमेशा के लिए खो जाओगी। और वो बड़ी मुश्किल से अपनी बेल्ट खोलती है लेकिन तब तक वो बहुत दूर जा चुकी होती है और वो अब स्पेस में तैर रही है। वो बहुत डरी हुई है इसलिए बहुत जोर जोर से सांस ले रही होती है और जिसकी वजह से उनका ऑक्सीजन बहुत जल्दी खत्म हो रहा होता है और वो इतनी दूर पहुंच चुकी होती है कि उनका कम्युनिकेशन सबसे टूट चुका होता है। वो किसी से बात नहीं कर सकती और वो लगातार घूम रही होती हैं और उन्हें लगता है कि अब उनकी जिंदगी खत्म हो चुकी है। और तभी उसे कॉल्सकी की आवाज सुनाई देती है। कॉल्सकी उसको बोलता है कि अपनी लोकेशन बताओ और वो उसे अपनी लोकेशन बताती है। थोड़ी देर बाद कॉल्सकी की आवाज आती है, वो बोलता है कि अपने सूट की लाइट जलाओ और वो अपने सूट की लाइट जला देती है। इसके बाद कॉल्सकी उसको बोलता है कि तुम्हारा ऑक्सीजन कितना बचा हुआ है। वो कहते हैं कि मेरा ऑक्सीजन बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है और ये केवल 8% बचा हुआ है। और तभी कॉल्सकी उसको पकड़ लेता है। दरअसल कॉल्सकी की सूट में ऐसा कंट्रोलर लगा होता है जिससे वो अपने सूट को कंट्रोल कर सकता है, यानी कि एक तरह की मशीन, जो मशीन डॉक्टर स्टोन के सूट में नहीं होती, इसीलिए वो लगातार अंतरिक्ष में तैर रही होती है। अब जब कॉल्सकी ने उसे पकड़ लिया है तो वो धीरे धीरे उसे स्पेसशिप की तरफ ले जा रहा होता है। कॉल्सकी उसको बोलता है कि अपनी घड़ी में 90 मिनट सेट कर लो। वो बोलती है क्यों। कॉल्सकी बोलता है कि जिस स्पीड से मलबा बह रहा है 90 मिनट में वो पूरा ऑर्बिट का चक्कर लगाकर एक बार फिर हम तक पहुंच जाएगा। और वो अपनी घड़ी में 90 मिनट सेट कर लेते हैं और तभी वो देखते हैं कि एक और एस्ट्रोनॉट बहता हुआ उन्हीं की तरफ आ रहा होता है। कॉल्सकी स्टोन को बोलता है कि उसे पकड़ो और स्टोन बड़ी मुश्किल से उसे पकड़ती है और जब उसका चेहरा देखती है तो उसके चेहरे से कोई चीज आर पार होकर निकल चुकी होती है, क्योंकि यहां पर जो मलबा होता है वो बहुत स्पीड से फैला होता है और उसकी स्पीड इतनी होती है कि अगर वो शरीर से टकरा जाए तो आर पार हो जाए और इसीलिए इस एस्ट्रोनॉट की मौत हो जाती है। अब ये दोनों अपने स्पेसशिप की तरफ बढ़ते हैं और बड़ी मुश्किल से ये अपने स्पेसशिप तक पहुंच जाते हैं। लेकिन जब ये वहां पहुंचते हैं तो ये देखते हैं कि मलबे की वजह से उनका पूरा स्पेसशिप तबाह हो चुका है, बर्बाद हो चुका है और इनके सारे के सारे क्रू मेंबर्स मर चुके हैं। अब कॉल्सकी ये डिसाइड करता है कि हमें यहां से 1450 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा क्योंकि वहां पर एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जिसकी मदद से ये पृथ्वी पर वापिस जा सकते हैं और ये वहां के लिए निकल पड़ते हैं। अब रास्ते में धीरे धीरे करके स्टोन की ऑक्सीजन खत्म हो रही है और वो मात्र 1% बची हुई है और इसके साथ साथ कॉल्सकी के सूट में जो फ्यूल होता है वो भी खत्म होने वाला है। और जब वहां पहुंचते हैं तो कॉल्सकी देखता है कि उस स्पेस स्टेशन से सब जा चुके हैं क्योंकि जिस हिस्से पर ट्रेवल करके अर्थ पर जा सकते हैं उसका एक हिस्सा वहां पर होता ही नहीं है और दूसरा हिस्सा पूरी तरह से डैमेज हो चुका होता है, उसका पैराशूट खुला हुआ होता है और बिना पैराशूट के अर्थ पर लैंड करना नामुमकिन है।
स्टोन बोलते हैं कि हमें मुड़ जाना चाहिए। कॉस्की बोलता है कि मुझे लगता है कि इसमें एक या दो थ्रस्ट अभी भी सही होंगे, जिसकी मदद से हम यहाँ से 100 किलोमीटर दूर चाइनीज स्पेस स्टेशन तक जा सकते हैं। थ्रस्ट एक तरह का कैप्सूल्स होती हैं, जिसकी मदद से स्पेस में एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रेवल किया जा सकता है। अब कॉस्की अपने सूट की पूरी पावर यूज करता है और अपने को स्टोन को स्पेसशिप की तरफ धकेलता है और वो तेजी से बहते हुए स्पेसशिप की तरफ बढ़ने लगते हैं। उनका अपने पे कोई कंट्रोल नहीं है क्योंकि कॉस्की के सूट की पावर खत्म हो चुकी है। कॉस्की बोलता है कि कुछ भी हाथ में है उसे पकड़ लो, पर जब ये स्पेसशिप से टकराते हैं तो जिस बेल्ट से ये दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं वो बेल्ट टूट जाती है और ये स्पेसशिप के किसी भी हिस्से को पकड़ नहीं पाते। पर तभी स्टोन का पैर पैराशूट की रस्सी में अटक जाता है और वो उस बेल्ट को भी पकड़ लेती है जिस बेल्ट से कॉस्की बंधा होता है। लेकिन इन दोनों के प्रेशर की वजह से जिस रस्सी में स्टोन का पैर फंसा होता है वो निकल रहा होता है। कॉस्की बोलता है कि मुझे जाने दो। स्टोन बोलती है कि नहीं, मैं तुम्हें खींच लूंगी। कॉस्की बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो जानता है कि अगर मैं बेल्ट को अपने से डिटैच नहीं करूंगा तो स्टोन भी अंतरिक्ष में कहीं खो जाएगी और जिसका मतलब सिर्फ मौत है। और कॉस्की अपनी बेल्ट को खोल देता है और स्टोन को बोलता है कि तुम खुद को बचा लो। और जब कॉस्की स्टोन से दूर जा रहा होता है वो उसे बोलता है कि तुम स्टेशन के अंदर जाओ, तुम्हें चक्कर आ रहे होंगे, क्योंकि उसका ऑक्सीजन खत्म हो रहा होता है। कॉस्की बोलता है कि तुम अंदर जाओ और कैप्सूल में बैठकर चाइनीज स्पेस स्टेशन तक पहुंचो और वहां से सीधे अर्थ पर चले जाना। स्टोन बोलते कि मैं कैप्सूल में बैठकर तुम्हें लेने आ रही हूं। कॉस्की बोलता है इसके लिए बहुत देर हो चुकी है, मैं तुमसे बहुत दूर जा चुका हूं, तुम वादा करो तुम बचकर दिखाओगी। स्टोन बोलते कि हां मैं बचकर दिखाऊंगी। इसके बाद स्टोन का और कॉस्की का संपर्क टूट जाता है। कॉस्की ने अपनी कुर्बानी देकर स्टोन को अपनी जान बचाने का एक मौका दिया है। अब स्टोन स्पेस स्टेशन के अंदर जाती है और अपना हेलमेट उतारती है और हेलमेट उतारने के बाद उसकी जान में जान आती है क्योंकि उसके सूट का ऑक्सीजन लगभग खत्म हो चुका था। इसके बाद स्टोन रेडियो से मैट से संपर्क करने की कोशिश करती है जो इनका ऑपरेटर होता है, लेकिन वो उससे संपर्क करने में कामयाब नहीं हो पाती और तब ये दिखाते हैं कि उस स्पेस स्टेशन के अंदर आग लग जाती है। अब स्टोन बड़ी मुश्किल से कैप्सूल के अंदर जाती है और उसे उस स्पेस स्टेशन से डिटैच करने में कामयाब हो जाती है, पर जब उसका कैप्सूल थोड़ी सी आगे जाता है तो झटके से रुक जाता है क्योंकि पैराशूट की रस्सियां अभी भी स्पेस स्टेशन पे पूरी तरह से उलझी होती है। इसके बाद जिस कैप्सूल के अंदर स्टोन होती है जो उसने स्पेस स्टेशन से डिटैच किया होता है वो बड़ी तेजी के साथ वापस उसी की तरफ बढ़ने लगता है और उसे टकराने वाला होता है, लेकिन वो उसे कंट्रोल कर लेती है और उसे कंट्रोल करने के बाद वो बाहर जाती है और पैराशूट की सारी रस्सियों को काट देती है। लेकिन तभी 90 मिनट पूरे हो जाते हैं और वो मलबा जो अंतरिक्ष में चारों तरफ फैला हुआ है वो एक बार घूमकर फिर वापस उसी जगह आ गया होता है और इससे पहले कि वो उससे टकराता वो दोबारा से उस कैप्सूल के अंदर चली जाती है। और जब वो सोयूज के इंजन को यानी कि कैप्सूल के इंजन को स्टार्ट करने की कोशिश करती है तो स्टार्ट होता ही नहीं है और चेक करने पे पता चलता है कि उसके अंदर फ्यूल है ही नहीं। इस बात से वो बहुत परेशान हो जाती है और वो रेडियो पे लगातार बात कर रही होती है, तभी रेडियो पे आवाज आ जाती है और उसे लगता है कि उसका संपर्क हो चुका है। लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि उसका संपर्क अर्थ पर किसी रैंडम इंसान से हुआ है जिसका कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है और वो पूरी तरह से गिव अप कर चुकी है। वो अपनी जान देने के लिए अपने कैप्सूल का ऑक्सीजन बंद कर देती है और तभी उसे हेलुसिनेशन होता है यानी कि उसे भ्रम होना शुरू हो जाता है और उसके पास कॉस्की आता है जो उसे जिंदा रहने के लिए मोटिवेट करता है। लेकिन जब स्टोन वापस अपनी सेंसेस में आती है तो वो देखती है कि वहां पर कोई भी नहीं होता। लेकिन अब उसके पास एक आइडिया है, वो सोचती है क्यों ना लैंडिंग की प्रक्रिया से इस कैप्सूल को आगे बढ़ाया जाए और इस प्रक्रिया से उसका कैप्सूल आगे बढ़ना शुरू हो जाता है और जैसे उसका कैप्सूल चाइनीज स्पेस स्टेशन के पास पहुंचता है वो उससे बाहर निकल जाती है। लेकिन उसके पास इस बार एक सिलेंडर भी है जिससे वो अपने आप को कंट्रोल कर सकती है। हालांकि इस कैप्सूल से लैंडिंग की जा सकती है लेकिन इसमें पैराशूट नहीं होता इसलिए उसे इससे बाहर निकलना पड़ता। अब वो सिलेंडर की गैस के प्रेशर की मदद से अपने आप को अपनी स्पीड को कंट्रोल कर रही होती है और चाइनीज स्पेस स्टेशन के चारों ओर घूम रही होती है और जब वो अपने आप को उस तरफ धकेलने की कोशिश करती है तो उसके सिलेंडर की गैस खत्म हो जाती है। लेकिन फिर भी वो उसी तरफ बह रही होती है जिस तरफ चाइनीज स्पेस स्टेशन होता है और वो बड़ी मुश्किल से उसके आखिरी कोने को पकड़ लेती है। लेकिन तभी ये दिखाते हैं कि जो मलबा अंतरिक्ष में घूम रहा होता है जिसने सारे स्पेस स्टेशनों को नष्ट कर दिया होता है उस मलबे के टुकड़े दोबारा से उस तक पहुंच जाते हैं लेकिन किसी तरह से उनसे बचते हुए उसके अंदर पहुंच जाती है। लेकिन समस्या अभी भी खत्म नहीं हुई। ये एक चाइनीज स्पेस स्टेशन है इसलिए यहां पर सब कुछ चाइनीज में होता है और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन फिर भी वो सोयास तक यानी कि उस कैप्सूल तक पहुंच जाती है जिससे वो अर्थ पर लैंडिंग कर सकती है और वहां पर ऑपरेटिंग करने के लिए सारे बटन सारे की सारी लैंग्वेजेस चाइनीज में होती है। वो रैंडमली कई बटन दबाती है और फाइनली उसकी लैंडिंग होना शुरू हो जाती है और उसे नहीं पता कि वो बच पाएगी कि नहीं क्योंकि लैंडिंग करना इतना आसान नहीं होता। और जब उसका सोयास यानी कि कैप्सूल पृथ्वी की कक्षा में आता है तो उसके अंदर बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाती है क्योंकि वो बहुत तेजी से पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा होता है। लेकिन फाइनली वो पृथ्वी पर लैंड कर जाती है और उसका कैप्सूल एक समंदर में लैंड करता है
और वो धीरे धीरे डूबना शुरू हो जाता है। वो उससे बाहर निकलने की कोशिश करती है लेकिन निकल नहीं पाती। अब उसको लगता है कि उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी है, लेकिन किसी तरह से वो उस कैप्सूल से बाहर निकलती है। लेकिन वो पानी के ऊपर आने में सक्षम नहीं होती क्योंकि उसने सूट पहना हुआ होता है, पर वो किसी तरह से अपने स्पेस सूट को उतारती है और बहुत मुश्किल से पानी की सतह पर आ जाती है और तैरते हुए वो किनारे तक पहुंच जाती है और इस तरह से डॉक्टर स्टोन की जान बच जाती है। और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। इस मूवी का नाम ग्रेविटी इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें ग्रेविटी की वैल्यू को दिखाया है। अर्थ पर जीवन इसीलिए है, इंसान इसीलिए है क्योंकि यहां पर ग्रेविटी है। अगर यहां से ग्रेविटी खत्म कर दी जाए तो इंसान उस तिनके की तरह बन जाएगा जो धूल में, आंधी में, हवा में बिना कंट्रोल के इधर उधर घूमता है। इसके अलावा जो इस फिल्म का सबसे बेहतरीन हिस्सा है वो इसके सीन्स हैं, जिन्हें इतनी बेहतरीन तरीके से फिल्माया गया है जो शायद आपकी सांस तक रोक डाले। ये फिल्म रिलीज हुई थी 28 अगस्त सन 2013 को। तो ये थी कुछ डिटेल्स इस फिल्म के बारे में। उम्मीद करता हूं कि ये डिटेल्स से फिल्म, ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अपने कमेंट्स हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।